हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। इसके पहले हमने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम और उसकी वेव फॉर्म देखी थी। अब हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका सर्किट क्या होता है, वेव फॉर्म कैसी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, रेक्टिफायर क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में। ठीक है, सो इट कन्वर्ट्स बोथ हाफ ऑफ ईच साइकिल ऑफ एन एसी सिग्नल इनटू अ पल्सेटिंग डीसी। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था कि केवल हाफ साइकिल ही कन्वर्ट होती थी एसी की हाफ साइकिल ही केवल कन्वर्ट होती थी डीसी में। इसमें दोनों हाफ साइकिल्स कन्वर्ट होती है ऑफ ईच साइकिल इनटू अ पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, इट कन्वर्ट्स एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। ठीक है, अ सर्किट विद डज इट इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो ऐसा सर्किट जो इन दोनों काम को परफॉर्म करता है, उस सर्किट को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन में बेसिकली दो टाइप्स के इसके टाइप होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के। पहला होता है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ठीक है, तो अभी के इस लेक्चर में हम केवल देखेंगे सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, क्योंकि एक साथ दोनों हो जाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फुल वेव सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास दो डायोड होते हैं एसी को डीसी कन्वर्ट करने में। ठीक है, और जो इसमें लोड होता है वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो जो लोड होता है वो सेंटर पर टैप होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसलिए इसको सेंटर टैप कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि पहला डायोड D1 है, ठीक है, वो पहले लूप में है, दूसरा डायोड D2 है वो दूसरे लूप में है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग देखते हैं। ये जो वर्किंग है इसकी, अगर जब इनपुट हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, सपोज़ कीजिए कि हमने इनपुट अप्लाई किया VI, ठीक है, और इस VI का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो आ रहा है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो पोलैरिटी होगी वो होगी प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 इज फॉरवर्ड बायस, दैट इज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एंड वोल्टेज अक्रॉस D1 इज ज़ीरो। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस D1 इज ज़ीरो, लेकिन अगर जब तक इनपुट अप्लाई नहीं होता है तब तक ये हमारा ओपन सर्किट रहेगा और वोल्टेज अक्रॉस D1 होगा VI। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वेव फॉर्म बताई हमने VD1, ये उसी कंडीशन की है ये वाली। ठीक है, इसमें यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस D1 जो है वो VI है जब हमारा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमने जैसा बताया कि VD1 इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और VO इज इक्वल टू हो जाएगा VI। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा D1 हमारा शॉर्ट होगा, तो क्या होगा, करंट इसके थ्रू ऐसे हमारी फ्लो करेगी। ठीक है, और आउटपुट पे हमें जो इनपुट होता है ये, ठीक है, V वही हमें यहाँ पर अपीयर होता है आउटपुट में। ठीक है, इसी तरह से दूसरी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी यहाँ पर जो वोल्टेज है वही हमें आउटपुट में अपीयर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम KVL लगाएंगे तो ये हो जाएगा VI-V0 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज VO इज इक्वल टू VI। इसलिए यहाँ पर ये जो VI है ये हमें VO पे अपीयर होता है। ठीक, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पोलैरिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, राइट, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या होगा, D1 क्या होगा, हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा, और जो D2 होगा हमारा वो हमारा
फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और दैट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा, करंट इसके थ्रू फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी और जो वोल्टेज इक्वेशन होगी वो जाएगी VI प्लस VO इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मतलब VI माइनस VO इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से VO आ जाएगा VI, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसके लिए भी आउटपुट में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव मिलेगी। तो इस तरह से हमें ये जो है पल्सेटिंग डीसी आउटपुट में हमें मिलती है, ठीक है। अब इसके लिए पल्सेटिंग डीसी को हमें प्योर डीसी बनाने के लिए क्या काम करना होता है, हमें काम करना होता है एक फिल्टर यूज़ करना होता है, ठीक है। फिल्टर क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देगा पल्सेटिंग डीसी को, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब ये कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे आपको आने वाले वीडियोस भी मिल सके हैं। और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और वीडियो शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू।